नमस्कार, आप सब देख रहे हैं उदित राज न्यूज। मैं एक बार फिर आपके साथ सारिका साहू लेकर आई हूं कुछ खास। मुहर्रम को मद्देनजर रखते हुए क्षेत्र में किया गया फ्लैग मार्च। जी हां, आगामी मुहर्रम की सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से कमिश्नर डीके ठाकुर के निर्देश पर कमिश्नरेट पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। जॉइंट कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर पीयूष मौर्य, डीसीपी वेस्ट सोमेन वर्मा, एडीसीपी वेस्ट राजेश कुमार श्रीवास्तव के साथ तमाम एसीपी थाना प्रभारी के साथ चौकी इंचार्ज और भारी पुलिस बल मौजूद रहे। भारी पुलिस बल के साथ रूमी गेट, घंटाघर, हुसैनाबाद, छोटा इमाम बाड़ा, हुसैनाबाद पुलिस चौकी तक किया गया फ्लैग मार्च। इस फ्लैग मार्च के दौरान लोगों को कोरोना गाइडलाइन के बारे में भी जागरूक किया गया, साथ ही लोगों को त्यौहार की गाइडलाइन के बारे में भी बताया गया। तो पेश है उदित राज न्यूज लखनऊ संवाददाता प्रभात कश्यप की खास रिपोर्ट। देखते रहिए उदित राज न्यूज। बांटा गया है, वो किस प्रकार से बांटा गया है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि सेक्टर में और जोन में बांटने का अर्थ सिर्फ इतना है कि हम प्रत्येक सेक्टर और जोन के प्रभारी अधिकारी नियुक्त कर देते हैं, जिससे कि उन्हें पता हो कि उनका एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कितना है। उस उतने इलाके में वो अपना जिम्मा समझते हुए सभी लोगों को समझा सके, बात बता सके। सर, ये सिर्फ हमारी जिम्मेदारी तो पूरी है। 18 सेक्टर में बांटा गया है और 5 जोन में बांटा गया पूरे इलाके को। 5 जोनों को फर्दर 18 सेक्टर बना दिए गए, परंतु ये प्रयास हमारा है कि सभी जगह पर पुलिस पर्याप्त संख्या मौजूद रहे और लोग अपना त्यौहार भली भांति गाइडलाइन का पालन करते हुए। छतों की निगरानी के लिए भी क्या कुछ व्यवस्था करी गई है? जैसे देखा कि देखिए, जो कुछ व्यवस्था कानून व्यवस्था बनाने के लिए जो बंदोबस्त किया जाना चाहिए पुलिस द्वारा किया गया है। यदि कहीं हम लोगों को हला करते हैं, वो सिर्फ इसलिए करते हैं जिससे कि वो एक जो है व्यू ले सकें पूरे इलाके का और देख सकें यदि कहीं कोई अनुशासनहीनता हो रही है, उन लोगों को समझाने का प्रयास करें। पश्चिमी क्षेत्र के अलावा की बाहर से पुलिस फोर्स बुलाई गई है? लखनऊ कमिश्नरेट द्वारा अन्य स्थानों से भी फोर्स को प्रत्येक वर्ष जहाँ जहाँ पर जुलूस होते हैं वहाँ पर अतिरिक्त लगाया जाता है, पर हमारे अपने जनपद की फोर्स इस कार्य के लिए। सर, क्या क्या फ्लैग मार्च का क्या उद्देश्य है? देखिए, फ्लैग मार्च जब भी हम करते हैं, आमतौर पर जब कभी किसी प्रकार के त्यौहार होते हैं, लोगों के मन में जो है सुरक्षा की भावना हमेशा बनी रहे, जो त्यौहार मनाते हैं वो भी कभी कहीं असुरक्षित महसूस ना करें, उन्हें एहसास हो कि उनकी असिस्टेंस के लिए, उनकी सहायता के लिए वो भली भांति नियमों का पालन करते हुए त्यौहार मना पाएँ, इसके लिए हम हमेशा मौजूद हैं। और जो है जब तक कानून व्यवस्था अच्छी बनी रहती है तब तक हमारे सभी शहरों के लोगों को त्यौहार मनाने में आसानी रहती है। और जहाँ तक नियमों का सवाल है, पुलिस का दायित्व है, शहर के सभी लोगों का दायित्व है कि सभी नियमों का पालन सुनिश्चित कराएं। हम लोग अपनी तरफ से नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए जो है भरसक प्रयास कर रहे हैं। आप सभी मीडिया के लोगों के माध्यम से मैं अन्य लोगों को, शहर के लोगों को भी ये बताना चाहता हूँ कि मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, कहीं एक साथ बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठे ना हों। 50 लोगों की सीमा ऑलरेडी जो है गाइडलाइन के माध्यम से बताई गई है। साथ ही ये भी बताया गया है कि किसी भी प्रकार का जुलूस प्रतिबंधित है, उसे ना करें अनुरोध किया गया है। धर्मगुरुओं ने भी इसका अनुरोध सभी जो अपने जो धर्मावलंबी लोग हैं उनको तकरीर के माध्यम से किया है, उन्हें बताया है कि उनका कि उन्हें जहाँ तक संभव हो घर ही पर रहकर त्यौहार मनाना चाहिए और जो है किसी एक जगह पर बहुत सारे लोग इकट्ठे नहीं होना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए। तो हमने भी बताया तकरीर के माध्यम से, धर्मगुरुओं ने भी बताया है, और आप सभी लोग अपने अपने माध्यम से, चूँकि मीडिया के लोग बहुत जो है इस बात को फैलाने की ताकत रखते हैं, मैं अनुरोध करता हूँ कि आप भी ये बात सभी लोगों को जरूर जरूर बताएं। सर, मुहर्रम को लेकर किस तरह के फोर्स के इंतजाम किए गए हैं? देखिए, ये जो आप फोर्स देख रहे हैं हमारी अपनी पुलिस फोर्स है शहर की, और
हम चूँकि कभी कभी भीड़ बहुत जहाँ बढ़ने की संभावना रहती है, वहाँ फोर्स को इसलिए भी तैनात करते हैं जिससे उनके माध्यम से लोगों को समझा सके, बता सके कि भाई नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। सर, पश्चिम संवेदनशील एरिया है, कितने सेक्टरों में बांटा गया है, किस तरीके से पुलिस करेगी? तो ये जो पूरा क्षेत्र है इसको पश्चिम। तो ये थी हमारी आज कुछ खास बात, फिर मिलते हैं आपसे एक नई अपडेट के साथ, तब तक आप सब देखते रहिए उदित राज। मैं सारिका साहू आपसे इजाजत चाहती हूँ, धन्यवाद।